क्या हवा। हाँ बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना संस्कार सुमित भाई। गाड़ी की बुकिंग तो आपने देख ली थी, लेकिन भाई थोड़ा सा अफसोस है कि हम डिलीवरी कवर नहीं कर पाए। तो सबसे पहले बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो सर ने ले लिया डिलीवरी, और धनतेरस वाले दिन लिया, सुबह साढ़े आठ बजे मतलब हाँ मतलब जो शुरुआत है उस शुभ दिन की वो इसी से हुई है। तो भाई गाड़ी आप देखो, उस दिन थोड़ा बाकी भसड़ भसड़ सी हो रही थी ना, इधर उधर बहुत गाड़ियाँ थी, तो एक लुक जो है वो पूरा फील के साथ नहीं आ पा रहा था। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही है भाई, इस गाड़ी को फील करो। वाकई में ये एक अलग चीज़ है, क्लास एक अलग है ये है। जो बंदा हिमालयन को अफोर्ड नहीं कर पाता, और ऐसा नहीं है सर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कर सकते थे, हाँ, लेकिन फिर भी भाई जो अपनी एक्सपल्स है उसको प्रायोरिटी दी हिमालयन से ऊपर, वो रीज़न क्या था वो भी अभी पूछते हैं। और भाई सबसे पहली चीज़, जो अपग्रेड हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी थे गाड़ी में, और वही जो थोड़े बहुत टिक बॉक्स हैं खाली जो छूट जा रहे थे, वो इस अपग्रेड के बाद जब से ये 4V जुड़ गया है यहाँ पर भाई, इसके बाद वो सारी कमियाँ भी दूर हो गई हैं। पावर बढ़ चुकी है, टॉर्क बढ़ चुका है, हेडलाइट की बीम बढ़ चुकी है, और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी गाड़ी में तो अब सर बताते हैं। बेसिकली जैसे आपने बोला ना अभी हिमालयन से एक्सपल्स, हाँ वो आप सही कह रहे हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता था, हाँ, बट जो मेरा जो मेजर यूज है व्हीकल का, सॉरी बाइक का, वो है सिटी। हाँ और सिटी के लिए जो मेन चीज है कि आपकी जो व्हीकल आप चला रहे हो वो इजी टू टर्न और इजी टू आपके मतलब हैंडलिंग होनी चाहिए। हाँ जो उसका मेजर जो था इसका कर्व वेट और उसके कर्व वेट का, तो वो डिफरेंस की वजह से मैंने एक दो बार हिमालयन चलाई थी, पर जो हैवी ट्रैफिक होता है उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगी उसका वेट को इधर से उधर करने में, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। हालांकि ये भी सिटी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, आपके अकॉर्डिंग इतनी निम्बल है गाड़ी है, 160 केजी का है, हाँ, तो आराम से आप हैंडलिंग कर सकते हैं, तो मतलब वो 200 किलो भारी पड़ जाता है वो, है 160 भी अच्छा खासा, हाँ बिल्कुल, सोचिए कि 200 कितना पड़ेगा। और आप अपग्रेड किससे कर रहे हो, जो अब तक यूज कर रहे थे स्कूटी से, बेसिकली स्कूटी थी, और सर के पास अपनी अवेंजर भी है, अवेंजर भी है, लेकिन जो इनका हाथ सेट हो चुका था वो स्कूटी पर था, स्कूटी पे था, स्कूटी ज्यादा प्रेफर करता था सिटी ड्राइव के लिए क्योंकि काफी आप, और आपके दिल में तो कब से मतलब एनफील्ड ही बस रही थी, एनफील्ड था दिल में, बट मैं वैसे कहूंगा एक मेरे मतलब वो उसमें भी आए आप, हाँ है ना, कि सुपरनोवा लेनी है, सुपरनोवा मीटियोर हाँ। जो सपने दिखाए 2 महीने 3 महीने, मैंने कहा नहीं मेरे से ऐसे डिसीजन नहीं रहते, हाँ। किसी के लिए वेट करूं, हाँ। फैसला ऑन द स्पॉट वाला हिसाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी, जो इसमें चाहिए जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीट करे। और ऐसी क्या चीजें थी इसमें जो मतलब उस तक ले आए, कई चीजें ऐसी होती है बंदा बिल्कुल पागल होता है, वो कहता है नहीं भाई 3 महीने रुक जाऊंगा, लेकिन वो चीजें और कोई गाड़ी नहीं दे रही, ऐसी इसने क्या चीजें पूरी कर दी आपकी। बेसिकली देखिए जो मुझे जो चीजें चाहिए थी, जैसे मैं कार यूज कर रहा था, कम्प्लीटली गाड़ी चला रहा था रोज मुझे चाहिए थी एक गाड़ी ऐसी कि जब क्वार्टरली बेसिस में कभी मैं ऑफ रोडिंग करूं तो मेरा हिल्स में मेरा घर यहाँ से रहता मूड, हाँ 300 किलोमीटर मेरा घर है मुनस्यारी। अच्छा मुनस्यारी, अरे क्या बात है, स्विट्जरलैंड बोलते हैं नॉर्मली, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी मूवमेंट होगी जो मुझे इजी टू रन मिल सके, और जो हमारे हिल्स में वहाँ पर फ्यूल पंप भी कम है, हाँ। तो उसके हिसाब से सेकंड मेरा ऑप्शन था कि माइलेज भी अच्छा मिले, तो 13 लीटर का टैंक है ऑल अराउंड, अगर मैं 49 बोलते हैं बट मुझे 40 का ही मिले तो इसमें कह रहे हैं कि कट हो चुका, मतलब इसमें 12 लीटर कर दिया उन्होंने, ये सुनने में आया मेरे, बाकी अब आप डलवाएंगे जब टैंक फुल तब होगा, पहले अभी नहीं, मैं टैंक पहले वाला, हाँ, फर्स्ट टैंक मेरा जो उन्होंने डालने के बाद सुबह मॉर्निंग ही कराया था, हाँ, 1080 रुपए का आया था, कितने लीटर था अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 10 समथिंग कुछ था, हाँ, तो ये कहने में आया सुनने में आया कि पहले 13 लीटर होती थी अब 12 लीटर हो गई, लेकिन फिर भी यार माइलेज काफी है इसका, है ना, रेंज अच्छी मिल जाती है, मेन चीज है, 40+ का, हाँ मैंने तो भी देखा। तो अभी चला कितनी ली है ये, अभी चली है 135 या 131, भाई मीटर उस दिन नहीं दिखाया था, 131 चल गई है, और माइलेज कितनी दिखा रहा है एवरेज, ये वो है अभी स्पीड, हाँ माइलेज कहाँ से चेंज होगा, माइलेज पे इसका इससे रहता है, मैंने भी चेक कुछ करा नहीं है ज्यादा, अच्छा, चीजें नहीं है इसमें, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है, बट मैंने अभी मैक्सिमम चीजें नहीं यूज करी, okay. दिवाली का त्यौहार था तो मैं, आप खुद भी यहाँ बिजी थे, तो भाई बता दूं रेनो ऐसे शौक में नहीं पहन रखी टी शर्ट, सेल्स मैनेजर है रेनो हल्द्वानी के, और खुश हो इस समय बहुत,
अल्टीमेट मतलब कि जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड थी मेरी बाइक से हाँ। वो मुझे अब फुलफिल करती है करती है भाई। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसको इसने फुलफिल किया है। सेकेंडरी कुछ चीजें और एडवांस लगी मुझे, जैसे कि इसकी ग्रिपिंग आप देख रहे हैं ब्रेक की, हाँ। कि ब्रेक की ग्रिपिंग इतनी अच्छी ना, नॉर्मली क्या होता है कि रबर टैप होता था, हाँ। ब्रेक पर रबर टैप होता था, कभी कभी होता था कि आपके जूतों में कुछ लगा हो तो स्लिप कर स्लिप मार जाता था, बट इसमें जो पकड़ है मतलब ब्रेक के ऊपर की तो काफी अच्छी है। वो दिया भी इसीलिए कि ऑफ रोड कर रहे हैं हम, डर्ट हो कीचड़ हो मड हो तो स्लिप ना करे। और ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है यहाँ पर पूरी तरह से बंदा आराम से बिल्कुल ये फुल ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर आपकी जो आप भाई सैडलिंग करो ऊपर खड़े हो जाओ स्लिप नहीं होंगे बिल्कुल, जो है बहुत अच्छी हाँ है। ये सूज है तो क्या बात है भाई, जूते भी जम रहे हैं बिल्कुल वुडलैंड के। तो भाई ये चीज है, मतलब सोचा है कुछ ऐसा नहीं है कि मजबूर हो जाए कोई और कंपनी की लेनी पड़े हमें। और एक चीज प्लस मुझे अच्छी और लगी, जैसे आज के टाइम पे जितनी भी 200 सीसी या 220 250 सीसी की व्हीकल सॉरी बाइक्स आ रही है, मैंने एक चीज देखा, मुझे नहीं पता 100% है नहीं है वो, कि उनमें आजकल किक्स नहीं होती है। हाँ, इसमें ये चीज बढ़िया है, इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे हाँ। मिला कि हाँ इसमें किक भी है भाई, किक दे रखी है, किक दे रखी तो एक तरह से सही है कि हाँ चलो कभी, और किक भी अच्छी खासी बड़ी किक है, छोटी किक नहीं है। मुझे ये बेनिफिट लगा कि हाँ चलो यार गाड़ी ने सेल्फ ने धोखा दे दिया, जो हिल्स की कंडीशन है काम करा बिल्कुल भाई। लेकर तो आप इसे कहाँ कहाँ जाओगे आगे, है ना, हमें भी ले लेना साथ। और भाई सस्पेंशन देखो यार, 37mm का टेलीस्कोपिक फोक है, और भाई सस्पेंशन ट्रैवल देखो आप इसका, आगे DRL कुछ इस तरह का लुक है, और लाइट जलाओ एक बार ये देखो, जो पहले डिमांड थी वो इसमें चेंज करी है, और भाई हेडलाइट का रेस्पॉन्स पहले से बढ़ा दिया है, आपने तो फील करा होगा। सामने से कोई आ रहा हो तो भाई हर गाड़ी फेल हो जाती है, स्पीड है 50-60 तो उसके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, मैं बोलूंगा कुछ इश्यूज हैं कि आप हाई स्पीड में चलो तो दिक्कत है, बट जो मेरी स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली मुझे कम्फर्टेबल रही। और भाई अब ये फिन्स भी बढ़ा दिए हैं इसमें, ये आप देख रहे हो एक फिन बढ़ा दिया है इसमें पहले से, और चेंजेस करे हैं, ऐसा ही नहीं है कि भाई केवल स्टिकरिंग चेंज करी है, पहले से जो इंटरकूलर है वो बढ़ा दिया, पावर बढ़ी है, और कह रहे हैं थोड़ा सा जो RPM है वो बढ़ा है हल्का, गाड़ी का फोर वॉल हुई है, और भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस अब तक 131 किलोमीटर में, वैसे ज़्यादा नहीं होते, आगे अभी आपका प्लान है और ले जाने का ट्रेल पे, अब तक कैसी लग रही है गाड़ी? अभी जो मेरा 130 किलोमीटर जो चली है टोटल सिटी ड्राइव चली है, और मैं खुश हूँ कि मैंने ये चूज किया, जो मुझे एक डाउट था कि यार सिटी में मुझे भी हैंडलिंग में दिक्कत तो नहीं होगी, तो सिटी में वो चीज मुझे अभी तक नहीं फील हो कर रही है कहीं पर भी, एक लगता था एक इशू लगता है, बट उस बाइक के लिए मेरे ख्याल से नहीं भी होता क्योंकि इसमें मिडिल स्टैंड नहीं है, हाँ सेंटर स्टैंड नहीं है, इसकी हाइट है उसके हिसाब से मिडिल स्टैंड, अरे लग जा रहे हैं साहब, मैं बताऊंगा जहाँ जरूरत पड़े वो लग जाएगा साहब। और देखो एक चीज है, ये साइड में जब खड़े होते हैं ना इसके बाइक के, तब आप देखो ये ऐसी लगती है बड़ी सी, लेकिन इसका भाई ट्रैवल इतना, सस्पेंशन ट्रैवल इस पर बंदा बैठता है खुद ही गाड़ी इतनी बैठ जाती है, आप देखो आप सर बैठ के दिखाएंगे, अभी ऐसी बड़ी सी लग रही है ये, और ये कितनी ज़्यादा बैठ गई है गाड़ी, ये देखो भाई यही चीज़ है, ये ऐसा नहीं है गलत है, ये जैसे ही खड्डे वड्डे आएंगे बहुत स्पीड में आपको ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है, सामने की रोड तो देखिए, हाँ इसमें मुझे पता ही नहीं चलता कि कहीं पे ब्रेक लेना पड़े, इवन मैंने दो तीन स्ट्रीट जो ब्रेकर होते हैं रोड ब्रेकर्स में उनके ऊपर भी मैंने इसको एक ऑन एवरेज स्पीड में डाल के देखा है, तो मतलब रम्बल स्ट्रीट पे तो ब्रेक लेनी नहीं है, नहीं आराम से निकल जा रही थी, कोई नहीं चल रहा था, क्या बात है भाई, देखो लुक दे रही है गाड़ी, और आई कैची तो है, है? जब निकलते होंगे जामा में खड़े होंगे लोग देखते जरूर होंगे, है ना, प्राइस पूछ रहे थे कि अच्छा देख ही रही, हाँ मैंने कहा 150 का अप्रॉक्स पड़ी, बड़ी कॉस्टली हो गई, हाँ सर इसमें 1 लाख से नीचे तो कोई स्कूटी नहीं है, सही बात है, हम कहाँ से सोच सकते हैं कि इससे नीचे रहे, नहीं भाई और प्योर लोहा है एक चीज है हर जगह, बस कोई कोई चीज है ये है, हाँ बस ये तो वैसे भी शील्ड है, इनका कोई काम भी नहीं है और ज्यादा महंगे भी नहीं है, मेटल रैटलिंग नहीं होगी, हाँ सिर्फ और सिर्फ इसमें ये लगा है, ये शायद ये प्लास्टिक है, एक ये प्लास्टिक है और बाकी ये प्लास्टिक लग रही है आगे का, और ये तो है भी इसीलिए कि आप कहीं गिरते वगैरह हैं कुछ भी होता है तो ये मुड़ जाएगा, ये फ्लेक्सिबल इतना है मुड़ जाएगा अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, इसीलिए दिए हैं ये चीज़ें, और बाकी गाड़ी तो भाई अलग ही लुक देती है, ये रोड पर जब चलते हैं 1.5 लाख मतलब कहते हैं कम खर्चे चर्चे ज़्यादा ये वो सिस्टम है, और अभी जैसे इतना पानी आया था उसमें तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है साइलेंसर, भाई बहुत गाड़ियाँ डूबी हैं और चलती चलती, और ये गाड़ी ऐसी है जैसे कहता है ना लाइक अ बॉस,
वह सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएं, ये निकलती हुई जाएगी उसमें। डेढ़ फीट का पानी आराम से देख सकती है। भाई आप ये देखो, करीब करीब ज्यादा है यार, डेढ़ फीट से ऊपर का है। हाँ करीब, हाँ दो से सवा दो फीट की ऊंचाई है इसकी। अच्छा खासा मतलब बहुत वाटर वेडिंग इसकी जो कैपेसिटी है बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल 1.5 लाख के करीब पड़ी। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या पसंद आया? धूम इसने शुरुआत का जो वेरिएंट था उसने भी बहुत मचाई है, और बाकी अब जो कुछ कुछ कमियां थी वो भी दूर कर दी है कंपनी ने। अब इस समय आपको कितनी वैल्यू फॉर मनी लग रही है गाड़ी, ये आप लोग ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो, सर की चॉइस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी समय चैनल को। एग्जॉस्ट नोट भी चेंज हुआ है हल्का, है ना? हाँ पहले से हल्का बेस ही हुआ है।